हो रही हूँ खांजी खांजी हो रही है खांजी से खांजी से हो रही है इसमें फिर उन्होंने फाइट हो जाना तू मारे ज़्यादा नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट है सफाई कितनी है बनाई भी किया थोड़ा भी जानता है मैं यहाँ तो नहीं है थोड़ा यूपी वाला स्टाइल है छेनी है थोड़ा मारे हुए हैं जो साफ मामला औजार खो गए या भैया मैं देखेंगे भाई पहले बनाते हैं अच्छा ये लेवल हो गया नाप लिया है नाप लिया है थोड़ा सा हल्का का हेलो अब हाँ जी ऊपर नीचे बराबर है यही लेवल हो गया ये बराबर रहना चाहिए लेवल है जब इधर थोड़ा सा दब जाता है तो घोड़ा पैर इधर हो जाता है अभी इसके बाद हम पूरी साफ हो जाती है साफ हो जाएगी हाँ दो मिनट देखा और डग्गी दे मगर पैसे उत्ते पई ने पुड़ी हुई अच्छा ला 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 हेलो जिंदो करे अरे भाई इंडियन डिस्कवरी 92 कल सब ने घोड़ा के एडवर्टाइजर आ जावे तेरे को सब जावन निकल सब जावन निकल जावे जे घोड़ा फोटो देखी भाई कल चैनल पे देख लियो इंडियन डिस्कवरी जैसे साफ हो जाता है इसमें... जलता है क्या थोड़ा सा हाँ भाई जो बीच में से खराब है जो खराब हो जाते हो अब देखिए अच्छा हाइड्रोजन है ये हाँ देखिए ये पूरा गंदगी निकाल दिया अच्छा अच्छा ठीक है ना ये पूरा साफ कर दिया भाई ये आपने क्या डाला पहले ये पहले लाल दवाई लाल दवाई अच्छा। मैं सभी घोड़े पाल को बोलना चाहता हूँ 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ये लाल दवाई और हाइड्रोजन के बीच डालते रहो ये पोटास होती है पोटास होती है तो लाल दवाई तो उससे सूंड में वगैरह साफ रहता है सूंड जो हंगस हो जाती है कि पैर नहीं फेरिया टाइम पे आता तो उसको साफ करो साफ करके उसमें हाइड्रोजन पहले लाल दवाई डालो फिर हाइड्रोजन डालो जो फंगस होती है फंगस साफ हो जाती है निकल जाती है तो साफ हो गई हम घोड़े को कितना भी मर्जी हम मैंने यहाँ पर से देख लिया अभी मेरा लेवल सही है इसका अच्छा यहाँ से ऊपर से हाँ ऊपर से ठीक है भाई साहब और भाई साहब यूपी में कैसे बनाते हैं सूम आप एक यूपी के सूम बताओ अपने हमारे यहाँ तो भैया एक चैना लड़का है माधुरी कुंड का अच्छा छेनी हथौड़े से बनाता है सूम काय से छेनी हथौड़े से कितनी देर में बना देता है कम से कम लगान तो 2 घंटा तो लगा लेता है एक घोड़े में 2 घंटा तो ऐसा क्या करता है वो भाई साहब ये बड़ी वाली तो छेनी लेता है जो लकड़ी फाड़ने वाली अच्छा लकड़ी फाड़ने वाली जो छेनी होती है ना हैमर और छेनी चीजर कहते हैं तो इंग्लिश में
चीजर और हैमर से बनाता है उसको चारों तरफ से। फिर ये जमुड़ा होता है देसी वाला, इससे बनाता है अंदर से बस, और कुछ नहीं है। न कोई गठरेता लगाता है, न रेती मारता है। इनके सूप बनाने में और अपने आगे सूप बनाने में कितना फर्क है? पहले घोड़ा था कैसे हाथ से बैठो हाथ से कोई भी आदमी कैसे कैसे सूप सुनाता है भाई साहब है तुम्हारी अच्छा घोड़े को सुलसुलाता है। अच्छा सुलसुलाता है पहले। अच्छा ऐसा होता है जैसे घोड़ा है जैसे उदम कर रहा है तो सुलसुलाने का मतलब होता है आस्य लिंगी सुलसुलाना। अच्छा वो करता है वो। ये हमारे गुरुजी हैं कौन गुरुजी? नगला उदय सिंह बलदेव के पास दाऊ जी। अच्छा हाँ ये पूरा इंट्रोडक्शन देंगे घोड़ा के बारे में, फुल नॉलेज है। इन्होंने सांडगिरी भी की है। सांडगिरी भी की है? हाँ बहुत जोर से सांडगिरी की है इन्होंने। घोड़े रखे हैं इन्होंने, बकरा का स्पेशलिस्ट व्यापारी है ये बकरे के। हाँ जोधपुर से लेके आते तोतापरी बकरे हैं इनपे, सभी अजमेरी नस्ल के सभी तरीके के बकरे हैं इन पे। तो आप भाई लोग देख रहे हो कि सूम कैसे बनाते हैं? सुपर बन रहा है भाई साहब, सुपर बन रहा है। मजा आ रहा है? नहीं मजा, ज्यादा मजा आ रहा है भाई साहब। तो अब जाके अपने वालों को बोलोगे कि भाई ऐसे बनाए कर? वालों से तो यही कहेंगे कि जिंदगी में ये काम छोड़ दो भाई, काम करना है तो पंजाब जैसा काम करो। पंजाब जैसा काम करो, सीख के आओ। कुछ दिन रह के आओ पंजाब में, कुछ दिन पंजाब में तो बिताओ।